तेरी मेरी एक जिंदगी एपिसोड 19। ऋषिका को रोमांटिक पनिशमेंट। अविका पहली लड़की थी जो राघव के इतने करीब आई थी, जिसने राघव को हक किया था, वरना कोई और लड़की आज तक राघव की परछाई भी नहीं छुपाई थी। अविका वो पहली लड़की थी जिसे राघव ने खुद से अप्रोच किया था। विदित ने निमित की ओर देखा जो खड़ा कुछ सोच रहा था, फिर उसने अमिताश को देखा जिसके चेहरे पर एक अलग सी स्माइल थी। वेद ने अमिताश से कहा, अमित क्या हुआ? तो अमिताश बोला, राघव बदलने लगा है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये इन दोनों की पहली मुलाकात तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि राघव की जो पर्सनालिटी है उस हिसाब से वो सिवाय अपनी करीबी लोगों के किसी की इतनी फिक्र नहीं करता। हाँ अविका हमारी फैमिली है, पर वो राघव के करीब नहीं है, तो राघव का यूँ अवि की केयर करना समझ नहीं आया। एक बात कन्फर्म है कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। तभी निमित बोला, भाई। अमिताश ने उसकी ओर देखा। इससे पहले निमित कुछ बोलता, अमिताश बोल पड़ा, निमित राघव अपने उसूलों के खिलाफ कुछ भी नहीं करता। अगर तुम कुछ गलत सोच रहे हो तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो। मानता हूँ वो अगर कुछ करने का सोच ले तो कुछ भी करके वो उस काम को करता ही है, लेकिन इसके लिए वो किसी मासूम का यूज़ कभी नहीं करेगा। तुम इस बात की चिंता मत करो, अभी उसके साथ सेफ है। उसके साथ वो ना तो कुछ गलत करेगा ना किसी को करने देगा। निमित ने अब एक राहत की सांस ली। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसे राघव पर भरोसा नहीं था, पर उसके लिए अभी उसकी एक ही परिवार थी। माँ पापा की मौत के बाद निमित ने अविका को अपनी बच्ची की तरह पाला था, उसके लिए वो ही उसका सब कुछ थी। निमित बोला, मुझे राघव भाई पर पूरा भरोसा है, अगर वो अवि के साथ है तो वो सेफ ही रहेगी। निमित की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। इधर राघव अवि को लेकर बेड पर लिटा दिया और बोला, ज्यादा चलने की या बिना वजह पैर को हिलाने डुलाने की कोशिश मत करना, वरना स्वेलिंग हो जाएगी। अवि तो अभी भी एक टक राघव को ही देख रही थी। राघव अचानक से उसके चेहरे के करीब आ गया और ये देखकर अवि ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे यूं देखकर राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अवि के साइड से एक पिलो उठाया और वापस सीधा होकर उसके पैर के नीचे पिलो रख दी। अवि को जब अपने पैर पर उसकी छुअन महसूस हुई, उसने अपनी आंखें खोल ली और प्यार से राघव को देखने लगी। उसे राघव का यूं उसकी केयर करना अच्छा लग रहा था। आज तक निमित ही था जिसने उसकी इस तरह से केयर की थी, लेकिन आज राघव उसकी केयर कर रहा था। राघव ने जब खुद पर अवि की नजरों को महसूस किया तो अपनी नजर उठाकर उसे देखा। राघव के अचानक से उसे देखने पर अवि ने हड़बड़ाकर अपनी नजरें हटा ली और इधर उधर देखने लगी। राघव एक बार फिर उसकी हरकत पर मुस्कुरा उठा। उसने अवि के पास जाकर उससे बोला, कुछ कहना तुम्हें? अवि अब थोड़ी सी उठी और बेड के हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठ गई और उसने गर्दन नीचे झुका ली और अपने हाथों की उंगलियों से खेलने लगी। राघव उसकी हर हरकत नोटिस कर रहा था। फिलहाल उसकी नजर अवि के हाथों पर थी। उसे अपनी उंगलियों से खेलता देख राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देख कर बोला, बोलो भी, ये अपनी उंगलियों से खेलना बंद करो। अवि ने एक नज़र राघव को देखा और फिर से अपनी गर्दन झुकाकर बैठ गई। राघव ने फिर कहा, अवि इरिटेट मत करो मुझे। अवि ने अपने होठों को गोल किया और पाउट बनाकर बोली, वो थैंक यू एंड सॉरी। राघव ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो अवि बोली, मेरी केयर करने के लिए थैंक यू। और फिर वो एक पल को चुप हो गई। उसकी नज़र राघव की बाहों पर लगी चोट पर चली गई। उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसकी वजह से राघव को दर्द हुआ। राघव बोला, और क्या, अपनी बात पूरी करो। तो अवि ने उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर उसके चोट पर रख दिया और हल्के से सहलाते हुए कहा, मेरी वजह से आपको भी चोट लग गई, उसके लिए सॉरी। राघव उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया और बोला, ये कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी खरोचे हैं, ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। अवि ने राघव को देखा। राघव भी उसे ही देख रहा था। अवि की मासूमियत भरी बातें और हरकतें उसे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। अचानक से उसे उस रात अवि का उसे हक करना याद आ गया और उसका दिल जोर से धड़क उठा। इधर अवि का भी हाल बुरा था। राघव का उसके नजदीक होना उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। उस रात उसका उसे प्रोटेक्ट करना और उसे सही सलामत घर छोड़ना, राघव का सिर्फ इतना सा जेस्चर ही अवि के दिल में उसके लिए एक स्पेशल प्लेस बना चुका था। और आज उन दोनों के दिल उनसे बगावत करने को तैयार थे। बस देखना ये था कि दोनों कितनी जल्दी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने वाले थे। राघव ने खुद को नॉर्मल किया और अवि से अपनी नजरें हटाकर बोला, तुम रेस्ट करो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं ऋषिका को तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये बोलकर राघव उठकर बाहर जाने लगा, फिर दरवाजे पर रुककर पीछे देखकर बोला, बिना मतलब बेड से मत उतरना, पैर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। राघव बाहर चला गया और उसे अपने लिए इतना केयरिंग होता देख अवि के होठों पर एक प्यारी सी मनमोहक मुस्कान आ गई। अवि बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और राघव के साथ बीते खुशनुमा पलों को सोचने लगी। उसने अपने पास पड़े पिलो को हक किया और सुकून से सो गई। राघव अवि के रूम से बाहर आ गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां अमिताश खड़ा था। राघव ने उसे देख कहा, अमित क्या हुआ? अमिताश ने उसे देख कहा, ये तू बता, क्या हुआ? राघव ने उसे नासमझी से देखा और बोला, कहाँ, मुझे क्या हुआ है? तो अमिताश ने उसे देखकर कहा, तू कब से किसी अनजान शख्स की इतनी केयर करने लगा? तो अब चुपचाप से बता, तू अवि को पहले से जानता है कि नहीं? राघव ने अमिताश से नजरें चुराते हुए और हकलाते हुए कहा, ये तू क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमिताश उसे देखकर हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, तो फिर तू हकला क्यों रहा है? राघव बोला, नहीं मैं कहाँ हकला रहा हूँ। अमिताश ने अब थोड़ा सीरियस होकर कहा, सच सच बता, तू अवि को पहले मिल चुका है ना? उसके इस तरीके से पूछने पर राघव के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था और उसे हाँ कहना ही पड़ा।
अमिताश इस पर कुछ बोलता इससे पहले ही राघव बोल पड़ा, तुम मुझसे ये मत पूछना कि कहां और कैसे, प्लीज। अमिताश मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जब तुझे सही लगे तब बता देना। पर राघव, एक बात बोलूं, अपने दिल की फीलिंग्स को नजरअंदाज मत करना, हो सके तो इसे मौका देकर जरूर देखना। ये बोलकर वो बिना राघव का जवाब सुने ही वहां से अपने रूम में चला गया। राघव बस उसे जाते हुए देखता ही रह गया। अमिताश का रूम। अमिताश जब अपने रूम में आया तो पाखी मिरर के आगे खड़ी होकर अपनी ड्रेस की जिप को अनजिप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अनजिप नहीं हो रही थी। अमिताश दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ा हुआ और उसे बड़े प्यार से देखने लगा। वो झुंझलाहट के कारण पाखी के चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस को देख रहा था और उसे ऐसे देखकर अमिताश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। फिर अचानक ही अमिताश ने अपने कदम पाखी की ओर बढ़ा दिए और पीछे से उसे कमर से पकड़ लिया। अचानक से हुई इस एक्टिविटी से पाखी एक पल को घबरा गई। उसने मिरर में देखा तो उसे अपने साथ अमिताश का अक्स दिखाई दिया। अमिताश के हाथ पाखी की पेट पर थे और वो उसे खुद के सीने से लगाकर खड़ा हुआ था। पाखी को यूं खुद को देखते पाकर अमिताश बोला, बीवी क्या हुआ, क्या देख रही हो? पाखी ने अपनी नजरें झुका ली और बोली, मेरी ड्रेस अनजिप नहीं हो रही है। अमिताश ने उसे मिरर से देखा और बोला, मैं आई? पाखी ने नजरें उठाकर मिरर से उसे देखा तो अमिताश उसे ही देख रहा था। पाखी ने उसे पलके झपका हाँ कह दिया। अमिताश ने उसे छोड़ा और अपने हाथ उसकी पीठ पर ले गया और उसकी जिप को अनजिप करने लगा। पाखी ने उसकी छुअन को जैसे ही अपनी पीठ पर महसूस किया वैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अमिताश ने एक नजर पाखी के चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पाखी की ड्रेस अनजिप कर दी और ऐसा होते ही पाखी की पीठ से लेकर कमर तक का हिस्सा रिवील हो गया। पाखी जल्दी से पलटकर दीवार से लग गई तो अमिताश उसे शरारत से मुस्कुराकर देखते हुए बोला, पीवी कम ऑन यार, ऐसा तो नहीं है मैं तुम्हें ऐसे पहली बार देख रहा हूँ। तो अमिताश ने अपने कदम पाखी की तरफ बढ़ा दिए। पाखी शर्म के मारे खुद में सिमटी जा रही थी, लेकिन अमिताश अब उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वो पाखी के पास गया और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। पाखी उसके सीने से जा लगी। अब अमिताश के हाथ पाखी की खुली पीठ और कमर को सहलाने लगे। पाखी सिहरने लगी, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसने कस के अमिताश की शर्ट पकड़ ली। अमिताश ने उसकी गर्दन को धीरे से किस किया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाकर लिटा दिया। अब पाखी और भी ज्यादा घबरा गई थी। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के किनारे नम हो गए थे। जब अमिताश ने उसे ऐसे देखा तो प्यार से उसके माथे पर किस करके बोला, बीवी तुम मुझे मना कर सकती हो? उसकी बात सुनकर पाखी ने अपनी आंखें खोल ली और नम आंखों से अमिताश को देखने लगी। अमिताश उसके ऊपर से हट गया और बोला, चेंज कर लो तुम, वैसे भी काफी रात हो गई है, मैं तब तक आदि को देख कर आता हूँ। ये बोलकर अमिताश बाहर चला गया। पाखी बस उसे जाते हुए देखती रह गई। ऋषिका का रूम। ऋषिका अपने रूम में आई। उसने जैसे ही दरवाजे को खोला किसी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद करके दरवाजे से ही लगा दिया। कमरे में अंधेरे होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले वो कुछ करती उस शख्स ने ऋषिका को किस करना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि वो शख्स कौन था। उसने उसके सीने पर अपने हाथों को रखा और उसे खुद से थोड़ा दूर कर बोली, डॉक्टर साहब आप करना क्या चाहते हैं? वे थोड़ा रुका और बोला, मिस रीत आप शायद भूल रही हैं, अभी जो कुछ देर पहले आपने किया उसकी सजा तो आपको मिलनी बाकी है। ये बोलकर वेद ने उसके बालों में अपनी उंगलियों को फंसाया और उसके गर्दन पर अपने होंठ रखकर किस करने लगा। किस करते हुए अब वो थोड़ा वाइल्ड होने लगा था। उसने रीत के कॉलर बोन्स पर बाइट किया तो रीत की पूरी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन हुई और उसके हाथ जो अब तक वेद की कमर को पकड़े थे वो खुद ब खुद उसके बालों में चले गए। वेद के हाथ रीत की बॉडी पर यहाँ वहाँ चल रहे थे, तभी ऋषिका ने उसके हाथ को पकड़ लिया। वेद रीत से थोड़ा अलग होकर उसे देखने लगा तो रीत ने अपना सिर नीचे झुका लिया और धीरे से बोली, वेद प्लीज आई एम नॉट रेडी येट। विदित ने उसका चेहरा अपने हाथ की एक उंगली से चिन से पकड़कर ऊपर किया और उसके माथे पर किस करके बोला, रिलैक्स मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिसमें तुम्हारी मर्जी ना हो। उसके ये बोलते ही ऋषिका उसके सीने से लग गई। उसके यूं सीने से लगते ही वेद मुस्कुरा उठा और उसने भी कस के उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे की धड़कने सुनने लगे। पाखी अपने रूम में अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने अमिताश को आगे बढ़ने से क्यों रोका। खैर उसने एक पल के लिए वो ख्याल अपने दिमाग से निकाला और उठकर कपड़े चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो चेंज करके आई तो अमिताश सो चुका था, और तो और आज आदि भी उनके रूम में ही था। अमिताश आदि को नींद में ही उठाकर अपने रूम में ले आया था। आदि एकदम अमिताश से चिपक कर सो रहा था तो वही अमिताश ने भी उसे हक कर रखा था। पाखी को ना जाने क्यों अमिताश की ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हुई और उसकी आंखों में नमी उतर आई। वो चुपचाप जाकर आदि के दूसरी साइड लेट गई, लेकिन उसे नींद भला कैसे ही आनी थी, आखिर उसे अमिताश की बाहों की आदत जो लग चुकी थी। उसने आदि की तरफ करवट ली लेकिन आदि उसकी तरफ पीठ किए सो रहा था। पाखी ने अमिताश को देखा, वो भी नींद में था। पाखी उठी और उसने अमिताश का हाथ आदि पर से हटा दिया, फिर आदि को गोद में उठाकर उसके रूम में चली गई। क्या नया मोड़ लेने वाली थी इनकी जिंदगियां। प्यार की शुरुआत हो चुकी है, बस देखना है ये प्रेम कहानी इन दोनों प्रेमियों को कहां ले जाने वाली है। जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरी मेरी एक जिंदगी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। तेरी मेरी एक जिंदगी एपिसोड 20। राघव अविका के रूम में। पाखी के जाते ही अमिताश ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर इस वक्त जीत की खुशी अच्छे से दिख रही थी।
उसने अपनी बाहें फैलाकर अंगड़ाई ली और खुद से बोला, बीवी इतना तो मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें मेरी आदत हो चुकी है, मुझसे दूर रह पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये बोल अमिताश मुस्कुरा दिया। उसने कुछ देर शांति से लेटे रहकर इंतजार किया और वही हुआ जो अमित ने सोचा था। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा फिर से खुला और अमिताश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसे पता था दरवाजे पर पाखी है। पाखी ने थोड़ी देर अमिताश को देखा जो आराम से सो रहा था। पाखी को लगा वो नींद में है, पर अमिताश जगा हुआ था और पाखी की हर हरकत को चोरी छुपे देख रहा था। पाखी चलकर बेड के पास आई और अमित के साइड उसके करीब हो लेट गई और एक टक उसे देखने लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अमिताश के बिखरे बालों को सही किया और अपने हाथ के अंगूठे से उसके गालों को सहलाने लगी। पाखी अमिताश को बस देखे जा रही थी कि तभी अमिताश बोल पड़ा, बीवी बस भी करो, तुम्हारा ही हूँ, इतना भी क्या देखना। पाखी तो अमिताश की आवाज़ सुनकर सकपका गई और अजीब तरह से अमिताश को देखने लगी। तभी अमिताश ने उसके हाथ और कमर को पकड़कर अपनी ओर खींचा और पाखी को पूरी तरह अपने ऊपर लिटा दिया। पाखी हैरानी और नासमझी में अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकाते हुए उसे देख रही थी। अमिताश उसे देखकर मुस्कुराया और उसकी बैक पर अपने हाथ घुमाते हुए बोला, बीवी ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हमें साथ में रहते हुए, इतना तो पता है कि मेरी बाहों के अलावा तुम्हें कहीं भी नींद नहीं आती। पाखी ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हुई, वो अमिताश के ऊपर से उठने लगी लेकिन अमिताश ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। पाखी ने झल्लाकर कहा, छोड़ो मुझे अमित, पर अमिताश पर उसकी बात का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उसने उसे नहीं छोड़ा और पलटकर खुद ऊपर आ गया। उसने पाखी के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर करके अपने एक हाथ में पकड़ लिया और नीचे पाखी की तरफ झुककर उसके माथे पर किस करके बोला, बीवी झूठा गुस्सा करना बंद करो, मेरी कोई भी गलती नहीं है, वो तुम्ही तो थी जिसने आदि को यहाँ से उसके कमरे में ले जाकर सुला दिया, बताओ फिर क्यों किया ये। पाखी ने जब ये सुना तो इधर उधर देखने लगी मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अमिताश ने अब उसके हाथों को रिलीज कर दिया और उसके ऊपर से हटकर जाने लगा तो पाखी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमिताश रुक गया पर उसने पाखी की तरफ देखा भी नहीं। अमिताश को खुद को ना देखता पाकर पाखी की आंखों में हल्की नमी आ गई। अमिताश उसकी पूरी दुनिया था, वो शख्स जिसने दुनिया जहां की खुशियों को उसकी झोली में डाल दिया था, उसका रुसवा होना पाखी को कचोट रहा था। पाखी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, मिस्टर राठौड़। अमिताश ने तुरंत उसे पलट कर देखा, ये काफी दिनों बाद था जब पाखी ने उसे फिर से मिस्टर राठौड़ पुकारा था। अमिताश ने उसके चेहरे को देखा, इससे पहले वो कुछ बोलता पाखी ने झट से उसके गले में बाहें डाल दी और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अमिताश उसकी इस हरकत से शॉक्ड रह गया। पाखी का ये मूव उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था पर वो इस पल को खोना नहीं चाहता था। उसने पाखी की कमर पर अपने हाथों से पकड़ बनाई और उसे खुद के बेहद करीब कर लिया और उस किस में पाखी का साथ देने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों की जब सांसें उखड़ने लगी तो दोनों ने एक दूसरे को रिलीज किया और एक दूसरे के माथे से माथा लगा लिया और खुद की सांसें नॉर्मल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी खुद को पीछे नहीं किया। अमिताश ने पाखी के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाकर एक बार फिर प्यार से उसके होठों पर किस किया। पाखी ने अपनी आंखें खोल उसे देखा तो अमिताश की निगाहें उसी पर थी। पाखी ने उसके गालों पर अपने हाथों को रखा और बोली, अमित प्लीज आप यूं मुझसे रुसवा मत हुआ करिए, मुझे यूं लगता है जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर आप मुझसे एक पल भी दूर हुए, प्लीज। अमिताश ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, कैसी बातें कर रही हो बीवी, तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकता हूँ, भला मैं क्यों तुमसे दूर जाऊँगा। फिर अमित उसे चिढ़ाते हुए बोला, और वैसे भी अब तो तुम भी आदि से जेलस फील करने लगी हो, तो अब हिसाब बराबर है। पाखी ने यह सुन उसे घूरा और उसके सीने पर अपने हाथों से मारने लगी और उससे बोली, मुझे कोई जेलसी नहीं हुई, भला मैं अपने बच्चे से क्यों जलूंगी। ये बोल उसने मुंह बना लिया। अमिताश उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और प्यार से उसका माथा चूम कर बोला, हाँ जान वो तो मैं ही था जो हमारे सोते हुए बच्चे को वापस उसके रूम पे सुलाकर आ गया था ना। उसकी ये बातें सुन पाखी ने अपनी गर्दन झुकाकर कहा, सॉरी मैं वो। इससे आगे पाखी कुछ भी नहीं बोल पाई क्योंकि अमिताश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अमिताश प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोला, कितनी बार बताना होगा तुम्हें मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी रूह से, तुम्हारे जिस्म से मेरा ऐसा कोई नाता नहीं है बीवी। हाँ मानता हूँ फिजिकल डिजायर सबकी होती है, मेरी भी है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं तुम्हें अपनी हवस को शांत करने का कोई जरिया बना लूं। इंटीमेसी भी प्यार तभी है जब आपका पार्टनर आपके साथ सहमत हो, अदरवाइज आप सामने वाले को उसकी फीलिंग्स को हर्ट ही कर रहे हो। और फिर पाखी ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हुआ हूँ। अमिताश ने आगे कहा, तुम मेरी हो बस मेरी, इसके लिए मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बीवी, बेहद बे। तेरी मेरी एक जिंदगी एपिसोड। तुम्हारे जिस्म की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बीवी, बेहद बेपनाह मोहब्बत है तुमसे, और उसके चलते मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बीवी मेरी वजह से अपना अस्तित्व ही खो दे। पाखी बस एक तक अमिताश को देखे जा रही थी। उसकी बातें सुनकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था, साथ ही उसे अपनी किस्मत पर गुरूर हो रहा था कि उसे वो शख्स मिला जो खुद से पहले उसकी फीलिंग्स की, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह करता है। पाखी को खुद को यूं एक टक देखते पाकर अमिताश बोला, क्या हुआ बीवी, कहाँ खो गई, क्या सोच रही हो। पाखी ने अमिताश को देखा और मुस्कुराकर नामे सिर हिला दिया, फिर उसके गले लग गई और बोली, थैंक यू सो मच अमित मुझे इतना प्यार देने के लिए, मैं तो कुछ भी नहीं थी जब आप जिंदगी में आए, तब से यूं लगने लगा कि मेरा भी वजूद है, मेरी इच्छाएं हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल रखने वाला, मुझे प्यार करने वाला एक शख्स मेरे पास है,
आई लव यू अमित, आपके बिना आपकी पाखी कुछ भी नहीं। अमिताश ने उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया और बोला, बीवी मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, तुमसे ही तो मेरी और आदि की खुशियां हैं, तुम दोनों के बिना तो ये बिजनेस किंग भी अधूरा है। ये बोल उसने पाखी के माथे को चूम लिया, लेकिन दूसरी ओर कोई था जिसकी नींद आज उड़ी हुई थी और वो था हमारा प्यारा राघव। राघव अपने कमरे की बालकनी में खड़ा रात के अंधेरे को देखे जा रहा था। उसे बार बार अवि का ही ख्याल आ रहा था। उसने खुद से ही कहा, आखिर ऐसा क्या है तुम्हें, जिस दिन से मिली हो दिल और दिमाग पर हावी रहती हो। आज तक किसी लड़की को राघव ने करीब आना तो दूर उसकी परछाई को भी नहीं छुआ, और तुम वो हो जिसने पहली ही मुलाकात में मुझे हक किया, और ना जाने क्यों मैंने भी तुम्हें खुद से अलग नहीं किया। राघव ने सोचते हुए आगे कहा, आखिर क्यों मैं तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ। वो राघव जिसे सिर्फ अपनी फैमिली से मतलब था, वो आज अपनी तरफ से एक अनजान लड़की की इतनी फिक्र कर रहा है, उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा है। ना जाने क्यों उसे दर्द में देखकर मुझे दर्द हुआ, आखिर क्यों, क्या हो रहा है मेरे साथ। राघव अपनी ही एहसासों की उधेड़बुन में लगा था। न जाने उसके दिल में क्या आया और उसके कदम खुद ब खुद अवि के रूम की ओर बढ़ गए। उसने अवि के रूम के बाहर दरवाजे पर खड़े होकर खुद से ही सवाल किया, आखिर मैं यहाँ क्यों चलाया, और क्या ऐसे किसी लड़की के रूम में आधी रात को जाना ठीक होगा। फिर उसने इन सवालों को साइड करके खुद से ही कहा, मैं कौन सा कोई गलत काम करने आया हूँ, मैं तो बस उसे देखने आया हूँ कि कहीं उसे किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं। वैसे भी उसके पैर में मोच आई है, अगर चलेगी फिरेगी तो पैर में सूजन आ जाएगी। हाँ बस मैं तो इसीलिए आया हूँ। राघव खुद भी अच्छे से समझ रहा था कि वो भी बच्चों जैसे एक्सक्यूजेस बना रहा है, पर बेचारा अपने दिल के हाथों मजबूर था, क्या ही करता। उसने ज्यादा और कुछ भी नहीं सोचा और धीरे से अवि के रूम का डोर ओपन किया। वो धीरे से बिना किसी आवाज के रूम में एंटर हो गया। रूम में नाइट बल्ब जल रहे थे, इस वजह से वहां थोड़ी रोशनी थी जो राघव के लिए अवि को देखने के लिए काफी थी। राघव ने बिना कुछ ज्यादा सोचे अपने कदम अवि के बेड की ओर बढ़ा दिए और उसके पास जाकर एक तक अवि को देखने लगा। अवि आराम से गहरी नींद में सो रही थी, सोते हुए वो और भी ज्यादा मासूम लग रही थी। राघव के चेहरे पर उसे यूं देखकर एक सुकून आ गया। वो उसके पास बेड के साइड में बैठ गया और उसे देखने लगा। राघव थोड़ा सा नीचे उसके चेहरे की ओर झुका, वो उसे ही देख रहा था कि अवि की आंखें खुल गई। असल में अवि की नींद कच्ची ही होती थी, अब्रॉड में वो अकेली ही रहती थी इसीलिए उसकी नींद हल्की सी आहट से भी खुल जाती थी। अभी भी यही हुआ, उसे यूं लगा जैसे कोई उसे घूरे जा रहा है, और जैसे ही उसने आंखें खोली एक चेहरा उसे अपने बेहद करीब दिखा और उसने ये भी नहीं गौर किया कि वो कौन है। अवि बेहद घबरा गई। उससे पहले कि वो चिल्लाती, राघव ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसके उतने ही करीब रहकर बोला, क्या कर रही हो, मैं हूँ। अवि बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जल्दी जल्दी पलके झपकाकर देख रही थी। उसकी सांसें और धड़कनें काफी तेज चल रही थी। चलती भी क्यों नहीं, एक तो डर की वजह से और दूसरा राघव उसके इतना करीब था उस वजह से। राघव ने उसे देखा और धीरे से अपनी गहरी आवाज में बोला, मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ, चिल्लाना मत, ओके। अवि ने उसे देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो राघव ने तुरंत धीरे से अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया। अवि अभी भी राघव को घूर रही थी। राघव उससे थोड़ा दूर होकर बैठ गया और अवि भी बेड से टेक लगाकर बैठ गई, पर उसकी नजरें अभी भी राघव पर थी। राघव ने उसे देखकर अपनी आईब्रोज राइज करके इशारे में पूछा, क्या? तो अवि ने उसे देखते हुए कहा, आप इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ये सुनकर राघव थोड़ा सा हड़बड़ा गया और उसने जल्दी ही खुद को शांत भी कर लिया और बोला, मैं तो बस तुम्हें चेक करने आया था कि तुम सोई या नहीं, या फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अवि ने उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरा और बोली, आप दूर से भी देख सकते थे, लेकिन आप यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं, ये बताइए। अब राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन अब वो बोले भी क्या, पर उसे कुछ तो जवाब देना ही था। राघव यही सोच रहा था कि क्या बोले, तभी अवि बोली, क्या सोच रहे हो आप, जवाब दो। राघव को अब अवि का ध्यान उस बात से हटाना था और इसके लिए उसे एक शरारत सूझी। उसके चेहरे पर अब एक शरारती हंसी थी। उसने अवि को कमर से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। अवि उसके मुंह से सक पका गई और हैरान रह गई। राघव की छुअन से उसकी सांसें अटक गई थी। बेचारी अवि, उसे जो भी उससे पूछना था सब भूल गई। बस अब तो वो राघव को देखे जा रही थी जो उसके बेहद करीब था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो अभी निकलकर बाहर ही आ जाएगा। हाल तो कुछ ऐसा ही राघव का भी था, उसका दिल भी उससे बगावत पर उतर आया था। दोनों की ही धड़कनों का शोर तेज था और दोनों ही एक दूसरे की धड़कनें सुन और महसूस कर पा रहे थे और एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। राघव ने अवि को अपने थोड़ा और करीब कर लिया। ना जाने उसके दिल में क्या चल रहा था। उसने अपनी पकड़ अवि की कमर पर और कस दी और उसे अपने चेहरे के और करीब करके उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। उसकी छुअन से अवि पहले से ही सिहर रही थी, लेकिन राघव के किस करने पर मानो अवि सांस लेना भूल ही गई। उसके दिल ने एक बीट मिस कर दी और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। राघव ने जब अवि की बंद आंखें देखी तो मुस्कुरा दिया और उसकी आंखों को चूमकर अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर बोला, आगे से कभी भी मुझसे सवाल करने की हिम्मत मत करना, क्योंकि राघव के सवालों के जवाब दुनिया देती है, राघव किसी के सवालों का जवाब नहीं देता। ये बोलकर राघव मन ही मन मुस्कुरा दिया। जैसे ही अवि ने राघव की ये बात सुनी, उसने अपनी आंखें खोली और उससे खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन राघव ने उसे कस के पकड़ रखा था। राघव ने उसे स्ट्रगल करते देखा तो बोला, सोचना भी मत अवि, ना तो तुम मुझसे दूर जा सकती हो और ना अब मैं तुम्हें दूर जाने दूंगा। ये बोलकर राघव ने अवि के माथे को चूम लिया और अवि की आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई। क्या राघव सच